वेलकम बैक टू द सेशन दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू तो मेरे प्यारे बच्चों कैसी चल रही है जिंदगी आई होप सब बच्चों की जिंदगी अच्छी चल रही होगी इनफैक्ट अच्छी चलनी भी चाहिए बिकॉज बहुत ज़रूरी है तो चलो मेरे बच्चों आज शुरू करते हैं आज का सेशन तो आज का सेशन है क्या आज का सेशन जैसा कि तुम सारे जानते हो एरिया ऑफ सॉरी हाँ एरिया ऑफ सिमिलर सॉरी एरिया ऑफ़ ट्राइ एरिया ऑफ सर्कल्स है एरिया रिलेटेड टू सर्कल तो इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आज हम लोग सेकेंड सेशन करने वाले हैं सेकेंड सेशन तो इस सेकेंड सेशन में हम लोग क्या बातें करेंगे तो so, हम लोग बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे ठीक है किसके बारे में बातें करेंगे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने पहला सेशन ऑलरेडी कर लिया है तो so, उस फर्स्ट सेशन में मैंने आपको सारे बेसिक फॉर्मूले बता दिए थे जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल पाई पाईआर स्क्वायर होता है पेरीमीटर टू पाईआर होता है सेक्टर का एरिया अगर देखोगे तो थीटा बाई थ्री सिक्सटी इंटू पाईआर स्क्वायर होता है अगर सेक्टर का पेरीमीटर देखोगे सेक्टर का पेरीमीटर नहीं मतलब आर्क का पेरीमीटर कह लो तो थीटा बाई थ्री सिक्सटी इंटू टू पाईआर होता है और उसी की तरीके से फाइनली हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर एक सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट में वो थीटा बाई थ्री सिक्सटी इंटू पाईआर स्क्वायर जो सेक्टर का एरिया था उसमें से हम माइनस करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ आर होता है एरिया एरिया ऑफ सेगमेंट 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 किसका area, segment का का मतलब क्या कि अगर ये सर्कल है तो इस पोर्शन का एरिया क्या होगा तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट ऐसा था तो ये सारी चीजें हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर ली थी तो अब आज के सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं तो आज के सेशन में इसी डिस्कशन को आगे ले जाते हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं तो चलो करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम तो है वी गो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आपके स्क्रीन पे देखो दिख रहा है सवाल कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर इन द फिगर पी क्यू इज गिवन ट्वेंटी फोर तो देखो ये एक सर्कल है अगर आपको छोटा दिख रहा है तो आप बस ये समझो या चलो मैं बनायाता हूँ ये एक सर्कल है इसमें एक डायमीटर है ये सेंटर है और ये डायमीटर एक ट्राइंगल बना रहा है छोटू सा ऐसा और इसी ट्राइंगल का नाम है आर इसका पी इसका क्यू और ये है आपका शेडेड पोर्शन तो ये जो 90 डिग्री है अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आपका ये ऐसा फिगर है तो और इसमें पी क्यू की वैल्यू उन लोगों ने दे दी है पी क्यू की वैल्यू इन लोगों ने क्या दी है 24 ये 24 दिया है और पी आर की वैल्यू 7 दी है तो मेरे बच्चे ये बताओ कि अगर ये 90 डिग्री तुमको पता है ये 24 ये 7 तो परपेंडिकुलर और बेस तो पता है हाइपोटेनस निकाल सकते हो बड़े आराम से दोनों का पाइथागोरस थ्योरम करो क्यू आर की वैल्यू ट्वेंटी फाइव आ जाएगी देखो ये फिगर थोड़ा सा गंदा हो सकता है क्योंकि मैं फ्री हैंड से बता बना रहा हूँ तो आप चाहो तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि इसकी वैल्यू ट्वेंटी फाइव होगी जो आपका डायमीटर है तो डायमीटर क्या होता है डायमीटर रेडियस होता है टू टू रेडियस इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव तो आपका रेडियस का वैल्यू आ गया ट्वेंटी फाइव बाई टू अब आपसे क्या पूछ रहा है पूछता है कि बताइए शेडेड पोर्शन का रीजन क्या एरिया क्या होगा तो शेडेड पोर्शन का एरिया जो होगा आई होप समझ पा रहे होगे कि एरिया विल बी इक्वल टू जो पूरा सेमी सर्कल है पूरा का पूरा सेमी सर्कल उसमें माइनस करना है हमें इस ट्राएंगल का एरिया इस ट्राएंगल के एरिया को माइनस करना है तो जो एरिया हमसे पूछा गया है दैट इज एरिया सेमी सर्कल एरिया सेमी सर्कल माइनस एरिया ट्राएंगल राइट एंगल ट्राएंगल तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है तो शायद मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है पाईआर स्क्वायर बाई टू तो पाई आर स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव बाई टू का होल स्क्वायर और पाईआर स्क्वायर बाई टू तो बाई टू कर लिया माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस बेस क्या है भाई तो मेरे भाई ट्वेंटी और सेवन है तो जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसका एरिया क्या लिखते हैं हम लोग बेस इंटू हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो आप सेवन ले लो चाहे ट्वेंटी फोर डज नॉट मैटर तो हाफ इंटू सेवन इंटू ट्वेंटी फोर ठीक है ये हो गया अब आपको बस इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व तो आराम से कर ही सकते हो मतलब क्या ही टेंशन है ठीक है या तो पाई बाई टू को तुम ट्वेंटी टू बाई सेवन नहीं लेके थ्री पॉइंट वन फोर लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो तो थ्री पॉइंट वन फोर बाई टू करोगे तो वन पॉइंट फाइव सेवन आ जाएगा इन टू ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर सिक्स ट्वेंटी फाइव बाई फोर थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो सकता है आई अग्री बट बेटा करना तो पड़ेगा और यहाँ बारह सत्य चौरासी तो माइनस कर दो उसके बाद सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा देखो मैं आंसर दिखा देता हूँ तो आंसर जो आपके सामने आएगा वो आएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो आंसर यहां पे आएगा वो आएगा आपका 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका कैलकुलेशन करके जरूर देखना क्यों मैं बोल रहा हूं बेटा एक बात साफ साफ समझो कि अगर तुम कैलकुलेशन करते हो घर पे अपने से रैंडम कैल्कुलेशन में मजा लेते हो तो ये कैल्कुलेशन आप एग्जाम में कर पाओगे अगर नहीं करते हो या तुम्हें लगता है अरे यार बड़ा बेकार सा कैलकुलेशन मन नहीं कर रहा है तो बेटा एग्जाम में भी फिर यही हालत होगी और एक आधो दो क्वेश्चन तो ऐसे टकरा ही जाएंगे जहां आपको कैलकुलेशन करना होगा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा करना पड़ेगा आपको ऐसे कैलकुलेशन ठीक है तो ध्यान से सोच समझ के चलो अगला क्वेश्चन कहता है पैरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट तो क्वाड्रेंट मतलब होता है एक चौथाई वन फोर्थ तो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं पता है उनको लगता है कि सर सर्कल का पैरीमीटर होता है टू पाई आर तो क्वाड्रेंट बोला है तो टू पाई आर का वन फोर्थ कर दो ये सही है गलत नहीं है अगर इसको सॉल्व करोगे तो यह पाईआर बाई टू आएगा लेकिन बेटा यह बस आधा है यह बस इतना वाला पार्ट है पाईआर बाई टू आपने इस रेडियस और इस रेडियस को तो छोड़ ही दिया वो तो आपने सॉल्व ही नहीं किया तो आपने ये रेडियस और यह रेडियस लिया था इन दोनों रेडियस को आपको सॉल्व करना था बाकी रेडियस आपने छोड़ दिया था तो आपको यह दोनों ऐड करना पड़ेगा तो बस ये दिया हुआ ट्वेंटी फाइव तो आपने अब क्या करना है पाईआर बाई टू प्लस टू आर तो आप लिखोगे टू आर प्लस पाई आर बाई टू इसको सॉल्व करके ट्वेंटी फाइव के इक्वल आना चाहिए तो अब आप यहां पे आर कॉमन निकालोगे तो इफ यू राइट कि आर कॉमन है तो आर आपने जैसे ही कॉमन निकाला बचा क्या टू बचा सॉरी आर इन टू वेरी सॉरी टू प्लस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अब आपको इसको सॉल्व करना है तो आर की वैल्यू आएगी वो आएगा पच्चीस बटा टू प्लस पाई बाई टू आ रहा है शायद फोर प्लस फाइव बाई फोर तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाई को तो चाहो तो बाईस बटा साथ भी ले सकते हो तो ये बनेगा टू प्लस एलेवन बाई सेवन सोल्व करोगे चौदह और ग्यारह पच्चीस तो सॉल्व करोगे तो पच्चीस और ये आंसर सेवन आ जाएगा सॉल्व करके देख लेना ट्वेंटी टू बाई सेवन डालो पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन डालो सॉल्व करना तो ये सेवन आ रहा होगा सेवन आ गया जैसे ही आर आपका अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द एरिया तो एरिया निकाल दीजिए तो एरिया तो बहुत ही सिंपल है वो पाई आर स्क्वायर होता है बताने की जरूरत ही नहीं है ठीक है पाई आर स्क्वायर सॉल्व कर दो यू विल गेट द आंसर 154 तो आंसर आ गया 150 फिफ्टी वेट अ सेकेंड ये क्या कर दिया उन लोगों ने क्वाड्रेंट का पेरीमीटर 2r आर प्लस टू पाई आर मतलब पाई आर बाई टू ठीक है सॉल्व किया रेडियस 7 आ गया अच्छा क्वाड्रेंट का एरिया पूछा था क्या था सॉरी 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 वेरी सॉरी मैंने एरिया सर्कल का निकाल दिया एरिया पूछा गया था इसी का क्वाड्रेंट का तो वो पाई आर स्क्वायर बाई फोर होगा तो ध्यान रखिएगा बस ये बात ध्यान रख लीजिएगा पाईआर स्क्वायर बाई फोर कीजिएगा तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वन फिफ्टी फोर बाई फोर आना चाहिए वन फिफ्टी फोर बाई फोर कीजिएगा तो ये आंसर सही है 38.5 बिल्कुल सही जवाब ठीक है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर देखो जो जो कैलकुलेशन मैं कैलकुलेशन इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन इज नॉट समथिंग जो सिखाया जाए वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तरीका मैं सिखा दे रहा हूँ बट कैलकुलेशन जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको छोड़ मत देना ठीक जरूरी है चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर तो ये जो फिगर है इसमें ये वाला पोर्शन जो शेडेड है इसका बताना है और ये है क्या ये एक स्क्वायर है स्क्वायर मतलब 14 सेंटीमीटर इधर और ये भी 14 सेंटीमीटर तो बेटा ध्यान से देखो एक स्क्वायर में दो सेमी सर्कल कट किए गए हैं ये भी एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है इसको काट के हटाया जाना है मीन्स यू हैव टू गेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन तो लेट मी राइट एरिया जो आपसे पूछा गया है दैट विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर के एरिया में से माइनस करना है

तो मेरे दोस्त आप देखो यहाँ ये जो सेमी सर्कल है इसका तो ये डायमीटर है ना इसका तो ये डायमीटर है तो अगर ये डायमीटर है तो ये क्या होगा ये सेमी सर्कल का मतलब डायमीटर है तो ये सेंटर हो जाएगा सेंटर हो जाएगा तो बेटा टू रेडियस ये अगर डायमीटर है तो टू रेडियस शुड बी इक्वल टू फोटीन मतलब रेडियस आपका सेवन आ जाएगा आपने रेडियस की वैल्यू यहाँ पे सेवन डालनी है सॉल्व करना है आंसर आ जाएगा फोटीन स्क्वायर माइनस ये टू टू तो गया सॉरी टू टू गया पाई का वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन डाल दो इंटू सेवन स्क्वायर तो सॉल्व कर दो 154 196 माइनस 154 आंसर आ जाएगा बड़ा सिंपल तरीके से देखो वन माइनस वन फिफ्टी समझ आया इतना सिंपल था टेंशन, वाला क्वेश्चन था ही नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगर ये समझ आ गया तो ओके दिस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू जो जो बच्चे वेदांतु प्रो ज्वाइन करना चाहते हैं वी प्रो फॉर लर्निंग लाइव ऑनलाइन जिसमें कि आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे तो लाइव सेशन लेना चाहते हो डाउट्स सॉल्व कराना चाहते हो डी डेली प्रैक्टिस पेपर चाहते हो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तो ये सारी चीजें आपको कहा मिल जाएंगी वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में कैसे ज्वाइन करना है वेरी सिंपल यू हैव टू विजिट टू दिस लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो एक लिंक लिखा होगा ऐसा वी डी एन टी डॉट आई एन स्लैश वाई टी प्रो आपको बस इस लिंक पे जाना है और इस लिंक पे जाके खुद को रजिस्टर करना है रजिस्टर करते वक्त आपको एक कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना है एच पी प्रो इस कूपन कोड से यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो आप बस इस कूपन कोड को अप्लाई कर लीजिएगा एंड देन यू विल बी एबल टू गेट इन टू द सेशन फाइन चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स अच्छी बात है ए बी एक डायमीटर है ये डायमीटर है आपका ए बी और ये डायमीटर है आपका सी डी तो आपके ये दो डायमीटर्स हैं तो ये दो डायमीटर मतलब ये सेंटर बहुत अच्छी बात परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री है बहुत बढ़िया एंड ओडी इज द डायमीटर टू द स्मॉलर सर्कल ये जो छोटी वाले सर्कल सर्कल है ना इसका डायमीटर ये ओडी है ये वाला ओडी है छोटा वाला सर्कल का डायमीटर ठीक है ओ की वैल्यू सेवन दी हुई है मतलब रेडियस बड़े वाले सर्कल का रेडियस जो है वो सेवन है अच्छा तो मेरे दोस्त एक बात बताओ ये है ओ ये है डी तो ओ भी तुमको देख के फिगर में समझ में आ रहा होगा कि ओ डी आएगा फिगर से समझ में आएगा बड़ा सिंपल है तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है शेडेड पोर्शन का एरिया तो मेरे दोस्त एक बात बताओ यहां पे दो सर्कल है एक तो बड़ा वाला सर्कल एक छोटा वाला तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस तो साफ साफ दिया हुआ है सेवन छोटा वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर सेवन है देखो टू टाइम्स स्मॉल आर ले लेते हैं इसका डायमीटर सेवन है मतलब जो छोटे वाला सर्कल है उसका रेडियस सेवन बाई टू आ जाएगा ठीक है तो छोटा और बड़ा सर्कल दोनों आ गया बहुत अच्छी बात अब मेरे दोस्त छोटे वाले सर्कल का एरिया तो बड़ा सिंपल सा है वो तो पाई पाईआर स्क्वायर है हाँ पाईआर स्क्वायर तो पाई इन टू सेवन बाई टू का स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा छोटा वाला आ गया ठीक है अब बड़े वाले के लिए देखते हैं ये जो शेडेड पोर्शन है तो साफ साफ ध्यान से समझो कि ये जो एरिया निकालना है जो बचा हुआ है ये एक सेमी सर्कल का एरिया होगा ये सेमी सर्कल का एरिया इस सेमी सर्कल के एरिया में आपको ये ट्राएंगल माइनस करना होगा क्या माइनस करना होगा ट्राएंगल तो बेटा आप लिखोगे एरिया सेमी सर्कल बड़े वाले ट्राइंगल का सेमी सर्कल माइनस एरिया ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल बता रहा हूं ये वाला देखो तो आपने यहां क्या करना है आपने करना है एरिया सेमी सर्कल आप लिखोगे तो क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यों कैपिटल क्योंकि बड़ा वाला सेमी सर्कल है माइनस एरिया ट्रैंगल अब ध्यान से देखो ये जो ट्रैंगल है इस ट्रैंगल का बेस आप ये ए बी लोगे ये जो डायमीटर है इसका तो आप लिखोगे हाफ इन बेस क्या होगा आपका सेवन सेवन फोर्टीन इन हाइट तो ध्यान से देखो हाइट तो ये वाली साइड हो जाएगी ओ सी और ये तो ऑलरेडी सेवन है तो सेवन तो आपने बस यही करना है तो आप इसको सॉल्व कर दोगे इसके आगे सॉल्व तो आसान है तो पाईआर स्क्वायर बाई टू फार्मूला डाल दो बाईस बटा सात वन बाई टू रेडियस स्क्वायर मतलब सात इंटू सात क्योंकि कैपिटल रेडियस तो सेवन है ना और माइनस ये इसको कैंसिल आउट करो सेवन टाइम्स से, में तो सेवन इंटू सेवन सेवन, सेवन स्क्वायर बस कैंसिल आउट हो गया सात से सात गया दो से बाईस ग्यारह बार में ग्यारह इंटू सात सतहत्तर सतहत्तर माइनस उनचास कैलकुलेट कर लो ट्वेंटी एट आ गया आंसर समझ गए इतना ही सिंपल था तो आंसर इस ट्वेंटी वेट अ सेकेंड अच्छा ये ट्वेंटी एट इसका है सॉरी 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 मैं भूल गया था फिर से भूल जा रहा हूँ ये ट्वेंटी एट इसका पाथ है क्योंकि हमने तो एरिया अभी इसका निकाला ना देखो ध्यान से हमने क्या किया एरिया सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल तो ये वाले पोर्शन का एरिया मिला के ट्रोलर टोटल ट्वेंटी एट और इसमें ऐड क्या करना है आपको ये सेमी सर्कल का एरिया ये जो छोटू वाला सर्कल हमने देखा था ना तो आप यहाँ पे बाईस बटा सात ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू अब आप क्या करोगे यहाँ पे बड़े सिंपल तरीके से रेडियस जो है सेवन बाई टू इंटू सेवन बाई टू कर दो आंसर आ जाएगा सेवन से सेवन कटा ये टू से इलेवन इलेवन इंटू सेवन सेवेंटी सेवन बाई टू सतहत्तर बटा दो तो ये थर्टी सेवन पॉइंट फाइव आ जाएगा तो ट्वेंटी एट में से थर्टी सेवन पॉइंट फाइव को ऐड करोगे तो देखो ये सेवेंटी सेवन बाई टू ये ऐड करना है और ये ट्वेंटी एट ये ट्वेंटी एट प्लस सेवन बाई टू करोगे सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव आ जाएगा तो बस आपको यही करना था ठीक है चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक स्क्वायर हैंडकर चीफ है एक स्क्वायर रुमाल इस पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे नौ सर्कल्स बनाए गए हैं फाइंड uh, और सबका जो रेडियस है ये सेवन सेंटीमीटर ये जो छोटे छोटे सर्कल है इनका रेडियस सेवन सेंटीमीटर का है तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकर चीफ बचे हुए जो हैं उनका तो बचे हुए निकालने के लिए पहले एक बात समझो यार ये जो पहला सर्कल है ये यहाँ से यहाँ ये सात और सात चौदह होगा क्या क्यों क्योंकि यार एक रेडियस और दूसरा रेडियस ये पूरा डायमीटर होगा ना तो सेवन और सेवन फोर्टीन ठीक है तो ये फोर्टीन वैसे ही ये वाला पोर्शन भी कितना होना चाहिए फोर्टीन बिकॉज दूसरा रेडियस है दूसरा सर्कल है और तीसरे वाला सर्कल भी यहाँ यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए फोर्टीन तो फोर्टीन फोर्टीन फोटीन फोर्टी टू मतलब अगर ये स्क्वायर है तो आपका ये स्क्वायर फोर्टी टू सेंटीमीटर इन फोर्टी टू सेंटीमीटर ऐसा होना चाहिए तो आपसे क्या पूछा है आपसे पूछा है रिमेनिंग पोर्शन बताइए तो एरिया जो आपसे पूछा गया है वो है एरिया एरिया का ऑफ स्क्वायर स्क्वायर का एरिया माइनस छोटे छोटे नौ सर्कल नाइन सर्कल्स तो आप लिखेंगे नाइन इंटू एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल तो आपको ये करना है एरिया ऑफ स्क्वायर अभी देखा साइड का फोर्टी टू तो आप फोर्टी टू का स्क्वायर कर दीजिए माइनस नाइन टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल हम सब जानते हैं पाई इंटू रेडियस स्क्वायर रेडियस तो पहले से दे रखा है क्वेश्चन में सेवन तो पाई इंटू सेवन स्क्वायर बस अब आपको सॉल्व करना है तो जल्दी से सॉल्व कर दो बेटा फोर्टी टू का स्क्वायर करोगे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसा करते हैं फोर्टी टू का स्क्वायर क्यों करें रहने दो एज इट इज़ फोर्टी टू का स्क्वायर माइनस नाइन को लिखो थ्री स्क्वायर इंटू पाई को लिखो ट्वेंटी टू बाई सेवन माई इंटू सेवन स्क्वायर सेवन स्क्वायर तो सेवन थ्री जै ट्वेंटी वन फोर स्क्वायर सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे यार चलो ठीक है सॉल्व कर देते हैं सोलह सौ सो और दोना चार और चार दुनी आठ आठ दुनी सोलह का छः हाथ में लगा एक चार सोलह सेवेंटीन वन सेवन सिक्स फोर माइनस यहाँ से इसका एक स्क्वायर गया एक सौ चौवन और नौ इसीलिए मैं इसको आसान तरीके से सॉल्व करना चाह रहा था रुको मैं आसान तरीके से सॉल्व करता हूँ देखो ध्यान से सारे लोग बेटा ध्यान से क्या देखो ये फोर्टी टू स्क्वायर है ना ठीक है माइनस यहाँ पे थ्री स्क्वायर इंटू सेवन स्क्वायर ये ट्वेंटी वन स्क्वायर होगा ना होगा इन टू ट्वेंटी टू बाई सेवन रहने दो एज इट इज तो देखो आसान तरीके से क्यों सॉल्व करूंगा कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो फी टू और ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ बिल्कुल ले सकता हूँ तो ले लो ट्वेंटी वन स्क्वायर दोनों में से ट्वेंटी वन स्क्वायर कॉमन ले लो बचेगा क्या देखो फोर्टी टू में से ट्वेंटी वन कॉमन लूंगा तो टू और ये स्क्वायर है तो टू का स्क्वायर बचा माइनस ट्वेंटी टू बाई सेवन पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन अब ये सॉल्व करना आसान है कैसे ये चार और यहाँ दो आ, बाईस तो इसमें से दो फिर से कॉमन आया ट्वेंटी टू का ट्वेंटी वन का स्क्वायर फोर फोर वन होता है या फिर ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन भी लिख सकते हो कोई इशू नहीं ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन इंटू दोनों में से टू कॉमन तो टू ले लिया बचा क्या टू माइनस इलेवन बाई सेवन करोगे तो यू विल गेट थ्री बाई सेवन सेवन टू जव फोर्टीन माइनस थ्री बाई सेवन आपका सिर्फ इसका आएगा और बाकी यहाँ पे जो है ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन इंटू टू इंटू थ्री बाई सेवन कर दो थ्री सो so, ये थ्री टाइम्स में और थ्री थ्री जो नाइन टू जी एटीन और ये ट्वेंटी वन तो फोटी टू इंटू नाइन फोटी टू इंटू नाइन सॉल्व करोगे चार सौ बीस में से चालीस गया तो तीन सौ अस्सी थ्री सेवेंटी एट आ गया देखो ज़्यादा ईजिली आ गया कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी हो गया तो ध्यान रखना कैलकुलेशन करने के भी तरीके होते हैं अगर आसान तरीके से करोगे तो थोड़ा ईजी आएगा थोड़ा मुश्किल जाओगे तो हो सकता है कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन रीजन इस डिज़ाइन किए हुए रीजन का एक एरिया निकालिए ठीक है सिंपल है ज़्यादा टफ नहीं है ध्यान से देखना ये जो रीजन देख रहा है बेटा इसमें एक डायगनल बना दो एकदम बीचों बीच तो ये जो डायग्नल तुम बनाओगे इससे ये डिज़ाइन दो पार्ट में कट गया लेकिन तुम दो पार्ट में नहीं काटो. तो, इसको तुम कुछ दूसरे तरीके से देखो देखो क्या मैं चाहता हूँ तुम इसको इस तरीके से देखो ऐसा तो अगर ये जो पोर्शन देखो जिसको मैं रेड आउटलाइन कर रहा हूं इसको रेड आउटलाइन को अगर मैं बाहर निकालूँ ध्यान से देखना तो बाहर निकालूंगा तो ये ऐसा बनेगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और इस राइट एंगल ट्राइंगल के बाहर ये थोड़ा सा डिज़ाइन पोर्शन है अच्छा हम ये मैं ये अंदर वाला नहीं ले रहा हूं मैं सिर्फ बाहर वाला ले रहा हूं ध्यान से देखना मैं सिर्फ बाहर वाला ले रहा हूं तो बेटा ध्यान से देखो कि हमें यही वाला एरिया अगर निकाल लें तो इस एरिया का मैं डबल कर दूं बिकॉज ये और ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो अगर मैं इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल लूँ तो दो उसका डबल कर दूंगा काम बन जाएगा तो इसको कैसे निकालेंगे बड़ा सिंपल है देखो ध्यान से ये क्वाड्रेंट है मेरे बच्चे ये क्वाड्रेंट है ये देखो ये ध्यान से ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है नाइन्टी डिग्री है और ये एक आर्क है तो इसमें लिखा भी हुआ है टू क्वाड्रेंट्स ठीक है तो एक क्वाड्रेंट का एरिया आप सारे जानते हैं पाई पाईआर स्क्वायर बाई फोर और माइनस क्या करना है इसमें से ये ट्रायंगल माइनस करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इतना तो आसान है और अच्छी बात यह है अच्छी बात यह है कि यहां पे बेस और हाइट ये जो बेस है ये और ये जो हाइट है ये दोनों के दोनों रेडियस है क्या बोला मैंने ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है तो बेस और हाइट दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे रेडियस रेडियस तो आप हाफ इंटू आर स्क्वायर भी लिख सकते सॉरी आर इंटू आर भी लिख सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब आर इंटू आर आर स्क्वायर तो देखो कितना आसान हो गया आर स्क्वायर यहां भी आर स्क्वायर यहां भी आर स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चे बच्चा क्या पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए और रेडियस स्क्वायर यहाँ डाल दीजिए रेडियस क्या लिख रहा है इन लोग एट तो डालिए एट का स्क्वायर इन टू पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू पाई क्या होता है ट्वेंटी टू बाई सेवन और बाई फोर है तो वन बाई फोर माइनस वन बाई टू सॉल्व कर दो सॉल्व करोगे तो पहले तो ये फ़ोर इससे कटा एलेवन टाइम्स में और ये टू टाइम्स में तो सेवन टू जो और ये तो फोर्टीन आ गया यहाँ पे एलेवन माइनस सेवन ये और इन टू एट इंटू एट मतलब एट एट जो सिक्सटी फोर तो बस ये हो गया अब आपको क्या करना है इसको टू टाइम्स में करना है तो फोर टू टाइम्स में सेवन इलेवन माइनस सेवन मतलब फोर फोर इंटू फोर इंटू एट डिवाइडेड बाई सेवन आ गया आंसर अब इसका आपको डबल करना होगा क्योंकि ये एक पार्ट है इसका आप डबल करोगे तो सोलह मतलब चार चौके सोलह चूके चौंसठ चौंसठ का डबल एक सौ अट्ठाईस एक सौ हो गया तीन और सात हाँ एक सौ अट्ठाइस बटा सात वन ट्वेंटी एट बाई सेवन है डबल कर दो डबल करोगे तो इसका दोनों का आंसर आ जाएगा बिकॉज ये एक पोर्शन का है ना इतने पोर्शन का आंसर कितना है वन ट्वेंटी एट बाई सेवन अब आप वन ट्वेंटी एट बाई सेवन का डबल करना चाहते हो तो वन ट्वेंटी एट बाई सेवन का डबल क्या हो जाएगा टू फिफ्टी सिक्स बाई सेवन तो टू फिफ्टी सिक्स बाई सेवन आंसर होगा डेसिमल में कोई पूछे तो अब डेसिमल निकालना आसान है सात या इक्कीस चार छियालीस सात छः का बयालीस बयालीस और दो चार चालीस सात पचास पैंतीस थर्टी सिक्स पॉइंट Uh, 36.57 के आसपास कुछ आएगा तो वैसे भी कर सकते हो देखो टू फिफ्टी सिक्स इन लोगों ने छोड़ दिया चाहो तो इसको 36.57 भी कर सकते हो नो इश्यूज़ समझ गए इतना सिंपल है चलो आगे बढ़ते हैं अगला अगला क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन सॉरी द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज़ हंड्रेड मीटर ठीक है एक गार्डन है जिसका रेडियस है सौ मीटर देर इज़ अ रोड टेन मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इट तो बाहर से रोड भी है इसमें ठीक है तो ये है गार्डन सौ मीटर का और दस मीटर चौड़ा रोड है ये अगर रोड दस मीटर है तो आपका ये वाला जो पोर्शन होगा ये कितना होगा सौ दस, दस होगा अच्छी बात है क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड एंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट ट्वेंटी पर मीटर स्क्वायर मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ये एरिया ऑफ रिंग क्या होगा तो एरिया ऑफ रिंग तो बचपन से पढ़ते आए हो अगर इसे कैपिटल आर लिया और इसे स्मॉल आर तो एरिया ऑफ रिंग तो नाइन्थ में भी पढ़ा होगा कि दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर दोनों में से पाई कॉमन निकालो तो ट्वेंटी टू बाई सेवन कॉमन आया आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच गया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सारे लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर कैपिटल आर क्या है वन वन टेन और स्मॉल आर क्या है हंड्रेड तो आपने बस इसको ऐड और सब करना है तो बाईस बटा सात So, दोनों को ऐड करोगे तो वन वन टेन प्लस हंड्रेड टू टेन हो जाएगा एक सौ दस प्लस सौ दो सौ दस इन टू दोनों को माइनस करोगे तो एक सौ दस माइनस सौ मतलब दस हो जाएगा कैंसल so, आउट करो ये थर्टी है थर्टी इंटू टेन थ्री हंड्रेड मतलब सिक्स सिक्सटी सॉरी सिक्सटी सिक्स हंड्रेड सॉरी सिक्सटी सिक्स हंड्रेड आ गया आंसर देखो सिक्सटी सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स हंड्रेड अच्छा इन लोगों ने डेसिमल में निकाला है जरूरत नहीं है डेसिमल में निकालने की बिकॉज ये सिंपल आंसर आ जा रहा है हालांकि इन लोगों ने कहा है 3.14 पॉइंट वन फोर करने बट ओके okay. तो सिक्सटी सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन अगर यूज़ करोगे तो और अगर ये आ गया तो उसके बाद आई गेस अब आपको ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करना है तो ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वन थ्री टू ट्रिपल जीरो तेरह हज़ार दो सौ रुपए आना चाहिए इसमें बिकॉज ये एरिया है इस एरिया में आप क्या करोगे सिक्स सिक्सटी सिक्सटी सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेंटी करोगे बीस रुपये पर मीटर स्क्वायर लग रहे हैं ना तो करोगे तो तेरह हज़ार दो सौ आना चाहिए इन लोगों ने डेसिमल में लिया है तो तेरह हज़ार नहीं एक लाख इकतीस हज़ार अच्छा दो ज़ीरो नहीं तीन ज़ीरो पड़ेंगे सॉरी यार एक लाख बत्तीस हज़ार आ रहा है हमारा बिकॉज़ दो ज़ीरो यहाँ पे और एक ज़ीरो यहाँ पे तो दो और एक तीन ज़ीरो तीन ज़ीरो होने चाहिए एक लाख बत्तीस हज़ार आ रहा है इन लोगों का आ रहा है एक लाख इकतीस हज़ार आठ सौ अस्सी तो ठीक है बीस रुपये मतलब एक सौ बीस रुपये का डिस्काउंट मिला क्योंकि डेसिमल यूज़ किया अगर डेसिमल नहीं यूज करोगे तो डायरेक्ट आंसर और दोनों में कोई अंतर नहीं मतलब अगर तुम ऐसा भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ अगर एग्जाम में लिखा रहता है ना थ्री पॉइंट वन फोर यूज करना है तो फिर ये गलत हो जाएगा तब आपको थ्री पॉइंट वन फोर ही यूज करना पड़ेगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा हालांकि एग्जाम वाले ऐसा करते नहीं वो ईजी कैलकुलेशन देते हैं चलो तो मेरे बच्चों अगर सारे कुछ समझ गए तो बस आज के लिए इतना ही था जिन जिन बच्चों को मजा आया हो तो हिट द लाइक बटन लाइक like ज़रूर कर देना वीडियो को और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स डालना क्योंकि इसके लिए मैं हर बार कहता हूँ ये कमेंट्स बहुत ही प्यारे होते हैं मेरे को पढ़ के बड़ा मज़ा आता है सो जस्ट पुड योर लवली कमेंट्स सब्सक्राइब टू द चैनल और जो जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में तो वी प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ पे जाके बस एच पी प्रो कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मतलब सत्ताईस सौ रुपये पर मंथ का कोर्स है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड रुपीज़ ये आपको टू वन फाइव नाइन में आ जाएगा दिस विल चेंज टू टू वन फाइव नाइन इफ यू यूज द कूपन कोड एच पी प्रो और इस टू वन फाइव नाइन में एच पी प्रो है सॉरी एच पी आर आर ओ नहीं है एच पी प्रो इस टू वन फाइव नाइन में यू गेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सोशल साइंस इंग्लिश सारे सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स सिक्स सब्जेक्ट टू वन फाइव नाइन सो अगेन थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड रुपीज पर मंथ और इसके साथ साथ लाइव सेशन डाउट सपोर्ट डाउट सपोर्ट और आपका डी पी पी डेली प्रैक्टिस पेपर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं सो दैट्स अ ग्रेट बल्ले बल्ले फाइन सो आई होप पीपल यू ऑल अंडरस्टूड एंड एंजॉय टूडे सेशन अगर ऐसा हुआ तो जस्ट लेट मी नो योर फीलिंग्स आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो दैट एंड विद दिस इट्स टाइम टू से गुड बाय 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 गुड नाइट बाय पीपल